दोस्तों, इस हैंडसेट के बारे में तो आप जानते होंगे, ये है सैमसंग गैलेक्सी M30s, जो कि बहुत ही पॉपुलर था। जब ये हैंडसेट सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च किया था तो एक तरह से तहलका मचा दिया था, क्योंकि ये जो हैंडसेट है इसमें बहुत ही बढ़िया फीचर्स भी दिया था और ख़ास करके इसका जो प्राइजिंग था वो कमाल का था। मॉन्स्ट्रस फीचर्स और जो प्राइजिंग औसम किस्म का, 13,999 रुपये। दोस्तों, अभी भी ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग इसे खरीद रहे हैं। सैमसंग जल्द ही M30s का अपग्रेडेड वेरिएंट इंडिया में लॉन्च करने वाला है और इसका नाम है M31। इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 के कुछ खास फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं और इसका जो प्राइसिंग है इसके बारे में भी आपको कुछ आइडिया दे दूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या आपको ये स्मार्टफोन का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है सैमसंग गैलेक्सी M30s और जल्द ही सैमसंग गैलेक्सी M31 इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये जो सैमसंग गैलेक्सी M30 स्मार्टफोन है ये बहुत ही पॉपुलर था और इनफैक्ट अभी भी ये पॉपुलर है और इसमें खास करके जो 6000 mAh की बैटरी है ये लोगों को काफ़ी पसंद आया। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो यूसेज पैटर्न है यूज़र का वो चेंज हो चुका है। अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले जो स्मार्टफोन्स होते थे उनमें 2000 mAh की बैटरी होती थी और वो काफ़ी होता था उस टाइम के लिए, लेकिन जब से जियो आ गया है मार्केट में, मतलब कि जब से जियो ने फ्री डेटा प्लान्स देना शुरू कर दिया है, अब जो प्लान्स है वो पेड है लेकिन फिर भी काफ़ी अफोर्डेबल है और आपको बहुत ज़्यादा डेटा का ऑप्शन मिल जाता है। और यही कारण है कि लोग आजकल ज़्यादा कॉन्टेंट देखते हैं ऑनलाइन। इनफैक्ट लोग कम बात करते हैं और ज़्यादा कॉन्टेंट देखते हैं, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, और ख़ास करके जो व्हाट्सएप है ये भी काफ़ी पॉपुलर मीडिया हो गया है। तो जो यूज़र है उसका रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो स्मार्टफोन है उसका जो बैटरी है वो एटलीस्ट एक दिन तक चल जाए। दोस्तों, एक स्मार्टफोन जिसमें 4000 mAh की बैटरी है वो आपको तकरीबन 2 दिन का बैटरी लाइफ दे सकती है। अब आपके यूसेज पैटर्न पर डिपेंड करता है, अगर आपका यूसेज बहुत ही हैवी किस्म का है तो तकरीबन 1 दिन का बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये जो 6000 mAh की बैटरी है ये आपको कितना बैटरी लाइफ दे सकती है। 4000 mAh मतलब कि 2 दिन, और उस 4000 mAh में अगर आप 2000 mAh और ऐड कर देंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। मतलब कि 6000 mAh का जो बैटरी है ये आपको तकरीबन 3 दिन का बैटरी लाइफ दे सकता है। तो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है जो मॉन्स्ट्रस फीचर्स के साथ में आता है ये खास उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जो बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्राइसिंग बता दूँ, ये जो हैंडसेट है M31 इसका प्राइसिंग होगा 15,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये के आसपास। अब इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या होगा जब ये हैंडसेट लॉन्च होगा तब हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो प्राइसिंग है काफ़ी बढ़िया होगा। और ये जो हैंडसेट है इसका जो खास फीचर्स है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इस हैंडसेट में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस हैंडसेट में क्वाड कैमराज है। अगर आपको याद होगा M30s स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमराज था, तो यहाँ पर क्वाड कैमराज दिया हुआ है और जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 MP का होगा। ये एक ऑलराउंडर मेगा मॉन्स्टर स्मार्टफोन है और ये जल्द ही इंडिया में आने वाला है। 64 MP कैमरा, ये इसका मेगा मॉन्स्टर फीचर होगा। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि ये जो 64 MP का कैमरा है इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो इस हैंडसेट का प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया होगा और अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हैंडसेट है ये कब लॉन्च होने वाला है और कहाँ पर आपको ये मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो सैमसंग गैलेक्सी M31 है ये लॉन्च होने वाला है 25 फरवरी को और ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल होगा। जब ये हैंडसेट ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होगा तब हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसका प्राइसिंग क्या है और तब मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा M31 पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।